का है, खाना भगवान का ही रूप में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल दहला देने वाले बाकी है, आए दिन कुछ ना कुछ मामला, कोई नई से नई कहानी सामने आती रहती है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ किसने क्या जुल्म किया और आज इनकी जो कंडीशन है इसके जिम्मेदार कौन है। जी क्या नाम है आपका, उनसे बोल रहे हैं? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक क्या है आपके साथ? एक सूदखोर ने जुल्म किया। सूदखोर कौन है? वसीम। वसीम ने क्या किया आपके साथ? उसने मेरा मकान को जबर कर लिया, धन को आन पर उसने जैसे जिस भी करवाई है सैन गुटे करवाए हैं। सब दिन हो गया दिन आपने मारा पिटाई करता रहा मेरे साथ, किसी जगह पर भी लेके दिया अपने गाड़ी से, एक स्टाम्प फ्रोश को बुला कर करा रहे जो करा। नाज़रीन देखिए इनका कहना है कि किसी सूद खोरी ने मुझे घर पे बुला के मेरे साथ मार पिटाई की, मुझसे ज़ख्ती की और मुझसे सैन गुटे लेके मेरा मकान छीन लिया। आपने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, क्या किया होगा? हाँ जी पैसे लिए थे मैंने उसे कारोबार के लिए, उसकी मैं 8,500 रुपये उसको रोजाना का देता था। कमीशन देते थे कि सूद? सूद देता था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा मैं मकान शेयर करके आपको 10 वापस कर देता। फिर क्या हुआ? वो नहीं माना, वो कहता कि मैं खुद ही शेयर करूंगा। आपका मकान कितने का था? मेरा 65 लाख रुपये का मकान था, उसका मैंने 15 लाख रुपया देना था, तो दोबारा वापस मेरे पैसे नहीं सुनेंगे। अब तक आपने से अमाउंट कितनी दे दी हुई है? अमाउंट तो 50-60 लाख रुपया वैसे ही मैं दे चुका हूँ मकान के अलावा। मकान के अलावा इतने पैसे आप दे चुके हैं? हाँ। तो जब उसने आपसे मकान लिखवाया था आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कहीं पे एप्लीकेशन नहीं दी, दरखास्त नहीं की? वहाँ पूरा थाना में भी दरखास्त दी है। किसको दी थी? अरीरा राय यार सही को। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं सुना। उन्होंने उनको बुलवाया था सूदखोरी को वहाँ पे? एक दिन बुलवाया था, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या कहा, क्या था उन्होंने? आजकल करते रहे हैं, उसको बुलाते ही नहीं रहे। और ये आपकी मिसेज और आपके बच्चे हैं? हाँ जी ये मेरे बच्चे हैं। लेडीज के साथ इनको किधर लेके जाओ, मेरा कारोबार भी छीन लिया, घर भी छीन लिया उस आदमी ने। आपकी कितनी बेटियां, कितने बेटे हैं? 4 बेटियां एक बेटा है। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बेचारे परेशान हैं, परेशानी की हालत में कैसे रो रहे हैं और इनकी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बहना आप इनकी मिसिज हैं? जी। क्या जुल्म किया आपने आपके साथ, बताएं? बच्चियां लेके कहाँ पे रह रही हैं आप? अब तो कोई हमें लगता भी नहीं है कि एक वक्त की रोटी लेंगे, और मेरे बच्चों की पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गया, और पैसे वाला जगह भी ले लो। ये आपकी बच्चियां जवान है तो आप इस वक्त कहाँ पे रह रही हैं? उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है, वो भी कितने वाला नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि जवान बच्चियां हैं, पूरी की पूरी फैमिली इस वक्त जिस कंडीशन में आपके सामने है, और इनके साथ कुछ उन्होंने सूद खोरिए ने इनसे किसी स्टाम्प के ऊपर सफेद कागज के ऊपर या स्टाम्प के ऊपर साइन गुठे भी लिए हैं। आइए इनसे पूछते हैं वो क्या मामला है, किस चीज से साइन गुठे उन्होंने लिए हैं? सादे पेपर पर साइन गुठे लिए हैं। किस चीज के? धमकियां देता था कि मैं आपकी बच्चियां टाल के ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो गिर गिर कबाब मेरे पास, ये कर दूंगा, वो कर दो। आप किसी बड़े ऑफिसर के पास क्यों नहीं गए? मैडम जिधर भी गया उधर ही कोई सुनवाई नहीं होती। उधर थाना भगवानपुरा ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं कोई एक्शन नहीं लिया। कितने अच्छे से उसने आपका मकान छीना हुआ है? 7-8 माह हो चुके। जी नाज़रीन इनके साथ जो ज्यादती हुई है मैं कोशिश करूंगी कि इनको इंसाफ दिलाया जाए।